सबको आपस में जोड़ देगा, लोकली नहीं, नेशनली इंटरनेशनली। कलाकारों के बेनिफिट के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, उनकी तकलीफ के समय के लिए उन्हें बहुत सारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एक ऐसा ऐप जो कलाकार, इवेंट ऑर्गेनाइजर, फाइनल यूजर, फैंस, आने वाले कलाकार, कलाकार का प्रोफाइल, कलाकार की स्ट्रेंथ, ये सब चीजों को लेकर आएगा। जब मैंने ये सुना इसके बारे में, मेरे मित्र संजय जी ने जब मुझे इसके बारे में बताया, संजय मलिक जी ने, तो मैंने कहा कि मैं जरूर कलाकारों के इस नए स्ट्रॉन्ग स्टेप के लॉन्च पर जरूर आऊंगा। कलाकार बड़े सच्चे लोग होते हैं, बड़े मेहनती, बहुत ही सर्कमस्टेंसेस के खिलाफ सपने सजाकर, पारिवारिक चीजों से लड़कर, जहां रहते हैं, पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, वहां के इकोनॉमिकल सर्कमस्टेंसेस से लड़कर, उसके साथ साथ जो माहौल है, जो और प्रिविलेज लोग हैं जिनको किसी के बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, या उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या किसी को अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल गई है, उस सारी चीज़ों को मन में रख के, उस सारी तकलीफों को मन में रख के कलाकार सपने सजाकर अगेंस्ट ऑल अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है, लोगों तक ले जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और सभी के मन में सिर्फ पैसा कमाना ऐसी इच्छा नहीं होती। इस पर्टिकुलर चोजन कला में कुछ कर दिखाना है, ऐसा सभी सोचते हैं। मैंने भी सोचा, दिल्ली की आउटस्कर्ट्स पर रहता था मैं, 3 बस बदलकर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने जाता था, एंड उसके बाद मुंबई तो मैंने देखी भी नहीं थी। मुंबई में जाकर आप सबके गुड विशेस से, आशीर्वाद से मैंने बहुत नाम कमाया, स्टार बना, वहीं तक नहीं रुका। उसके बाद कोई हॉलीवुड नहीं जाता था कमर्शियल सिनेमा का एक्टर, मैं पहला एक्टर था कमर्शियल सिनेमा का जो हॉलीवुड में गया। वहां पर जाकर, जबकि वो हमारी कमर्शियल सिनेमा, हमारे एक्टर्स, हमारे स्टार किसी का नाम नहीं जानते थे, किसी अमिताभ बच्चन को नहीं जानते थे, किसी शाहरुख खान को नहीं जानते थे, किसी गुलशन ग्रोवर को नहीं जानते थे, क्योंकि कोई इंटरनेट नहीं था, कोई जरिया नहीं था, हमारी फिल्में वहाँ दिखाई भी नहीं जाती थी। उस समय से मैंने वहाँ जाकर वहाँ की फिल्मों में काम करना शुरू किया, और न सिर्फ उन्हें अपनी कला से अवगत कराया, अपने इस वंडरफुल इंडियन सिनेमा से जुड़े हुए सभी पहलू, म्यूजिक हो, डायरेक्ट फोटोग्राफी हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, हर चीज से उन्हें अवगत कराया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने बॉलीवुड और हॉलीवुड, इंडियन सिनेमा और फॉरेन सिनेमा के बीच में एक मिट्टी का रास्ता बनाया, और मुझे इस बात की और ज्यादा खुशी है कि उस मिट्टी के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं, उस मिट्टी के रास्ते पर चलकर उसे और स्ट्रांग बना रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे और मजबूत कर रहे हैं बहुत सारे कलाकार, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, अमिताभ बच्चन हो, अनिल कपूर हो, अनुपम खेर हो, इरफान खान हो, बहुत सारे लोग। और आने वाले समय में बहुत सारे अलग क्षेत्रों में से भी कलाकार, म्यूजिक में से, यू नो, डांसिंग में से, बहुत सारी अलग प्रोफेशन में से भी निकलकर विदेशों में हमारे देश का, हमारी अपनी पर्सनल कला और हमारे देश की कला का नाम रोशन करेंगे। एंड इस प्रकार के जो प्रयास हैं, इनसे और ज्यादा ऑर्गेनाइज एफर्ट होगा। मैंने आशीष को 5 मिनट के इंटरेक्शन में कहा, You need a lot of, apart from lot of participation, you need a lot of financial strength to sustain, to continue doing it. And then that requires a whole lot of larger corporate, participation, corporate partners, partner with the government, partner with the state, whichever way.
बिकॉज कलाकार तो किसी के नहीं होते, कलाकार तो सिर्फ कला के हैं। हमारा किसी पर्टिकुलर पार्टी, किसी क्या कहते हैं कॉरपोरेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम सभी के हैं, सभी के लिए बने हैं। अनलेस के वी चूज टू बी यू नो लाइक हैव पॉलिटिकल व्यूज इन अलाइन विद अ पर्टिकुलर पार्टी। सो देयरफॉर मैं आपको, आप सबको जो इससे जुड़े हैं, आप सब जिन्होंने मेहनत की है, शुभकामनाएं देता हूँ।